नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है कुमार आदित्य और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने पीसी और लैपटॉप से ऑनलाइन किसी भी ऑडियो या MP3 फाइल को कट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आइए बिना देर के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पहले से ही गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रखा है। मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन इसलिए किया है क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर की मदद से मैं ऑडियो को कट करूंगा वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे अब जब मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रखा है तो मैं अपने कर्सर को गूगल क्रोम ब्राउजर के सर्च बॉक्स पे ले जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं उस वेबसाइट के URL को पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं सर्च कर देता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, इस वेबसाइट के URL को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप इस पे क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे विजिट कर सके। और ध्यान रखिए, ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। आप यहाँ पे अपने ऑडियो को बिल्कुल फ्री में कट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने 123 एप्स करके एक नया वेब पेज ओपन हो गया है। इसमें जो है हमें ऑडियो कट करने की फैसिलिटी दी जाती है। तो यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियो कटर और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिम और कट एनी ऑडियो फाइल ऑनलाइन, यानी कि यहाँ पे जो है हम किसी भी ऑडियो फाइल को छोटे भाग में काट सकते हैं या पूरे के पूरे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट काट के अलग कर सकते हैं। या सिंपली मान के चलिए आप कोई गाना डाल रहे हैं, उसमें से आपको इंट्रो हटाना है 10 सेकंड का, तो आप इंट्रो हटाने के लिए इस वेबसाइट की मदद से इंट्रो को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ऑडियो को कट करते हैं। तो ऑडियो को कट करने के लिए सिंपली यहाँ पे देखिए हमें एक ब्लू कलर का टैब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन फाइल। यहाँ पे ओपन फाइल पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे कंप्यूटर का लोकेशन अवेलेबल हो जाएगा जहां से हम फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ओपन फाइल वाले टैब पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन फाइल वाले टैब पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं हमारे सामने डेस्कटॉप वाला जो पोर्शन था वो अवेलेबल हो गया है। मैंने डेस्कटॉप पे ही अपने ऑडियो फाइल को रखा है जिसे मैं कट करना चाहता हूं, तो वहां पे मैं क्लिक करके उस ऑडियो फाइल को सेलेक्ट करूंगा। तो ये देखिए हमारे सामने ये गाना है, जानू हमसे दूर गली, इस ऑडियो को ही मैं कट करना चाहता हूं। तो इस ऑडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और ओपन वाले टैब पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने ओपन वाले टैब पे क्लिक किया, आप देखिए यहां पे जो है हमारे सामने कट करने के लिए ये ऑडियो जो है अपलोड हो चुका है। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप चाहें तो अपने ऑडियो को डायरेक्टली यहां से इस तरह से सेलेक्ट करके कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहां पे देखिए नीचे में टाइमिंग दिया हुआ है। सपोज मान लीजिए कि आप इसे 2 मिनट से कट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे मान लीजिए 2 मिनट 45 सेकंड से करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ 2 मिनट 45 सेकंड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ऑटोमेटिकली 2 मिनट 45 सेकंड पे चला गया है और ये लास्ट वाला पोर्शन है। तो अब यहाँ पे जो है 2 मिनट 45 सेकंड हो गया और यहाँ पे लास्ट हो गया, यानी 4 मिनट 42 सेकेंड, यानी कि इतना पोर्शन जो है हम काट के अलग कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो अपने मन मुताबिक भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए 10 सेकेंड आपको काटना है स्टार्टिंग के, तो आप यहां से इसे क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने 10 पे लाके इसे छोड़ दिया है। अब मैं जब इसे 10 पे लाके छोड़ चुका हूं तो यहाँ पे सिंपली अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेव का एक बटन है, आप देख रहे हैं राइट साइड में, इस सेव वाले बटन पे मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सेव वाले बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए बफरिंग करके ये हमारा डाटा जो है कट हो चुका है। अब हम इसे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे, ये देखिए ये जो फाइल है वो हमारा डाउनलोड हो चुका है और इसे हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कि ये जो फाइल हुआ है कट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये गाना है और इसका जो साइज है अब आप देख सकते हैं 10.4 MB का है और 4 मिनट 32 सेकंड का हो गया, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल फाइल था वो कितने का था वो मैं आपको यहाँ पे बैक करके दिखाऊंगा वापस से इस वेबसाइट को ओपन करके। मैं क्या करता हूँ, वापस से इस ऑडियो फाइल को अपलोड कर लेता हूँ और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ओरिजिनल फाइल था वो कितना था। तो ये ऑडियो फाइल 4 मिनट 42 सेकंड का था, लेकिन अब जो फाइल हमारा बन के आया है वो है 4 मिनट 32 सेकंड का, यानी 10 सेकंड मैंने ऑलरेडी इसमें से कट कर दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मिनट वाइज कट करूं तो आपको मैंने बताया था कि 2 मिनट में कर दूंगा और इसे मैं
45 कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 2:45 हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाले पोर्शन से भी मैं कुछ काट देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लास्ट का पोर्शन भी मैंने कट कर दिया। अब चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे टाइमिंग भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो देखिए 4:05 पे ये चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे सेव किया, ये देखिए डाटा जो है कट हो गया, और इसे मैं सेव वाले टैब पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने अभी कट किया है फाइल को, वो हमारा डाउनलोड हो चुका है। और इसका जो साइज है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.6 MB का है, और इसका जो लेंथ है वो है 1:20 का। तो इसी तरह से हम लोग इस वेबसाइट की मदद से किसी भी ऑडियो फाइल को कट करते हैं। आशा करता हूँ आज आप लोगों को हमारी इस वीडियो से किसी भी ऑडियो फाइल को ऑनलाइन कट करना आ गया होगा। इसी तरह के नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।